हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी गन्ना किस्म के बारे में जिसको अगर हमारे किसान भाई इस वर्ष फरवरी में लगा रहे हैं तो किसान भाइयों की जाहिर सी बात है कि उनका उत्पादन दोगुना हो जाएगा। जैसे कि हमारे जो किसान भाइयों को इस वर्ष जो गन्ने से मार पड़ी है, जो गन्ने का उत्पादन कम निकला है, उसको देखते हुए हमारे किसान काफ़ी अधिक परेशान है। अगर हमारे किसान भाई इस वर्ष इस गन्ना किस्म को फरवरी में लगा रहे हैं, फरवरी मार्च में, तो हमारे किसान भाइयों को जाहिर से एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई, आज की इस वीडियो में किसान भाइयों आपको इस गन्ना किस्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, या कौन सी गन्ना किस्म है और किस प्रकार का उत्पादन दे रही है। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे किसान भाई, यह जो गन्ना किस्म है, यह कोयम्बटूर की गन्ना किस्म CO 11015 है, जो कि किसान भाई काफ़ी प्रचलित है इस वर्ष हमारे किसान भाइयों के बीच में। किसान भाई, इसके चर्चा का विषय, मेन कारण इसका है किसान भाई, यही है कि किसान भाई जो इसका उत्पादन जो देखा गया वह बहुत ही बेहतरीन किसान भाइयों देखने को मिलता है। लंबे लंबे इंटरनोड जैसे कि दे पा रहे हैं किसान भाइयों, यह जो गन्ना है मार्च के किसान भाइयों आखिरी में किसान भाई इस गन्ना की प्लांटिंग की गई थी, और किसान भाई अब इसकी हाइट दे पा रहे हैं किसान भाई, काफ़ी अद्भुत हाइट जा चुकी है किसान भाई इस गन्ना किस्म की। जैसे दे पा रहे हैं गन्ने की जो आँखें त्रिभुज के आकार की किसान भाई इसकी गन्ने की आँख रहती है, लंबे लंबे इंटरनोड किसान भाई इस गन्ना किस्म में है। दे पा रहे हैं पास से दिखाना चाहेंगे किसान भाई, दे पा रहे हैं त्रिभुज के आकार की किसान भाई इस गन्ने की आग रहती है। गन्ने की मोटाई किसान भाई देखिए, काफ़ी अच्छी किसान भाई गन्ने की मोटाई है, 0238 जैसी किसान भाई इस गन्ना किस्म में मोटाई है किसान भाई, और लंबाई तो किसान भाई आप लोग देख ही पा रहे हैं, इतनी अधिक किसान भाई गन्ना किस्म की लंबाई जा चुकी है किसान भाई। किसी भी प्रकार का किसान भाई इस गन्ना किस्म में रोग नहीं देखने को मिलता है, और किसान भाई उत्पादन के मामले में किसान भाई काफ़ी अच्छी किसान भाई जो गन्ना किस्म हमारे किसान भाइयों के लिए है। इसी कारण है जो इस वर्ष हमारे जो किसान भाई इस गन्ना किस्म की भारी मांग कर रहे हैं। हमारे किसान भाई दूर दूर जाकर किसान भाई इस गन्ना किस्म का बीज तलाश रहे हैं, और जहाँ से भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा थोड़ा बीज प्राप्त हो रहा है वहाँ से लेकर हमारे किसान भाई इसका बीज अपने खेतों में इस वर्ष फरवरी में लगाना चाह रहे हैं। कई किसान भाइयों ने अक्टूबर में भी किसान भाइयों ने इसकी बिजाई की है, और उनको काफ़ी अच्छा जमाव भी किसान भाई इस गन्ना किस्म से देखने को मिला है। दे पा रहे हैं किसान भाइयों, जनवरी के 15 तारीख किसान भाई हो चुकी है किसान भाई, अब दे पा रहे किसी भी प्रकार के किसान भाई इस गन्ना किस्म में कोई रोग देखने को नहीं मिला, और किसान भाई हरे भरे अगौले किसान भाई इस गन्ना किस्म में है किसान भाई। देख पा रहे जनवरी में अक्सर हर गन्ना किस्म के अगौले किसान भाई चले जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन किसान भाई ऐसा इस गन्ना किस्म में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हरी भरे कंडीशन में किसान भाई गन्ना है। देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन किसान भाई इस गन्ना किस्म की है। देख पा रहे टाइट गन्ना किस्म है किसान भाइयों, अंदर से भी किसान भाइयों इसको कट करेंगे तो भी किसान भाइयों गन्ना किस्म काफ़ी टाइट देखने को मिलती है किसान भाइयों। लागत की बात करें तो किसान भाई लागत काफ़ी कम किसान भाई इस गन्ना किस्म में है। बढ़वार के मामले में किसान भाई बहुत ही तेज़ी से किसान भाई बढ़वा लेती है, और उत्पादन की बात करें तो किसान भाई हमारे शोध संस्थानों द्वारा जो इसका उत्पादन बताया गया है 148 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई इसका उत्पादन बताया गया है। अब किसान भाई देखने से किसान भाई इस गन्ना किस्म का उत्पादन आ सकते हैं कि इसका उत्पादन कितना अधिक निकलेगा। अगर हमारे किसान भाई इस वर्ष फरवरी मार्च में इस गन्ना किस्म का चयन कर रहे हैं तो हमारे किसान भाई को एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। शुगर रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है, और किसान भाई उत्पादन के मामले में तो किसान भाई सबसे उत्तम गन्ना किस्म इस वर्ष यह रहने वाली है। किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।